हाय एवरीवन वन दिस इज़ वनिका आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में मैंग्रोव्स को कंजर्व करने के लिए जर्मन की एक एजेंसी हेल्प करेगी मदद करेगी तो इसके बारे में डिटेल में हम जानते हैं आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कनेक्ट कर सकते सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील टुगेदर वी केन मे अज डिफ्रेंस चाहे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पर पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा अब देखिए जर्मन गवर्नमेंट की एजेंसी है ये देखिए गवर्नमेंट की एजेंसी है जर्मनी की ये डोयच जेलशाफ्ट इंटरनेशनल जी आई जी इसको कहा जाता है शॉर्ट में ये मैंग्रोव और जो बायोडाइवर्सिटी है उड़ीसा के भिटार कनिका नेशनल पार्क कि जहाँ पे इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करने में हेल्प करेगी रिसेंटली मैंने और भी लेक्चर्स बनाए थे भिटार कनिका नेशनल पार्क को लेकर क्रोकोड को लेकर वो भी आप देख सकते हैं और बताइए कि क्या खासियत बताई थी मैंने इस जगह की अगर आपने देखा है कि क्यों न्यूज़ में रहा है तो यहाँ पे आप ये डाउन टू अर्थ का भी आर्टिकल देख सकते हैं कि जर्मन की एजेंसी हेल्प करेगी उड़ीसा में भिटार कनिका नेशनल पार्क के मैंग्रोव फॉरेस्ट को बचाने के लिए इस इको को बचाने के लिए Uh, ये ट्वीट भी एक अच्छा लगा था मुझे डिड यू नो कि आपको पता था कि उड़ीसा के बिटार कने का मैंग्रोव फॉरेस्ट वास्ट वेटलैंड्स रिवर्स सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स ही यहाँ पे नहीं पाए जाते लेकिन घड़ियाल्स मगर्स ये सब भी पाए जाते लेकिन यहाँ पे हाईस्ट कॉन्सनट्रेशन किंग कोबरा की भी आपको मिलेगी यहाँ पे किंग कोबरा भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं अब ये एजेंसी किस चीज़ में मदद करेगी एक तो ये कंजर्वेशन में हेल्प कर रही है कि मैंग्रोव्स को ओके okay, यहाँ पे हम मैंग्रोव्स की बात कर रहे हैं तो मैंग्रोव्स का इकोसिस्टम क्या देखिए इन पेड़ों को इस तरह के फॉरेस्ट को या जो ट्रीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं उनको हेलोफाइट्स भी बोला जाता है हेलोफाइट्स यानी ये बहुत ज़्यादा सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं और तभी मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको यूजुअली हार्श कोस्टल एरियाज़ में मिलेंगे राइट जहाँ पर भी कोस्टल एरियाज़ हैं क्योंकि वहाँ पर नमकीन पानी होगा सॉल्टी वाटर होगा इनके रूट सिस्टम में इस तरह का फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है कि ये सॉल्ट को एक्सपेल uh, कर देते हैं सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं इसलिए इनको हेलोफाइट्स भी कहा जाता है है। ये एजेंसी बहुत सारे लोगों को रोजगार भी प्रोवाइड करेगी जो भिटार के आगे पीछे विलेजेस में पाए जाते हैं क्योंकि ये एरियाज कोरोना वायरस की वजह से बहुत से लोगों का रोजगार यहाँ पे पैंडेमिक में गया है और अंडर इंडो जर्मन बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम ग्रीन रिकवरी मेजर्स तो ये पूरा किस प्रोग्राम के अंडर हो रहा है इंडो जर्मन बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम ग्रीन रिकवरी मेजर्स के तहत ये सब काम किया जाएगा आगे देखते हैं इंडिया का पैंडमिक के टाइम पे हमने देखा इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ होके ट्वेंटी सेवन परसेंट हुआ है लॉकडाउन की वजह से और मोर देन 40 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स जो दूसरे सिटीज़ में काम करते थे माइग्रेंट वर्कर्स वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं उनकी जॉब चली गई और वापस उनको शहरों से गांव की तरफ लौट के आना पड़ा भिटार कनिका में भी आपको इस तरह के बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स नज़र आएंगे तो लेबर सरप्लस हो गया इन एरियाज़ में पैंडमिक की वजह से बहुत ज़्यादा लेबर बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे और लोग तो हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है डिक्लाइन इन जॉब है जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और अगर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी तो लोग फिर से किस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे फॉरेस्ट पे और वो फॉरेस्ट जो ऑलरेडी अपने रिसोर्सेज को लेकर ओवर एक्सप्लोइटेड हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर चुके हैं तो फॉरेस्ट पे फिर से प्रेशर पड़ने लग जाएगा तो उस चीज़ को रोकने के लिए तो यहाँ पे यही लिखा है इस स्लाइड पे कि अगर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो बहुत से लोग फिर से नेचुरल रिसोसेस से एक्सट्रैक्ट करने लग जाएंगे जिन पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है फॉरेस्ट वेटलैंड्स और रिवर्स पे इसलिए ये एजेंसी चाहती है कि इन लोगों को हम रोज़गार प्रोवाइड करेंगे ताकि नेचुरल रिसोर्स पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े दिस हैज़ मेड एग्रीकल्चरल एंड अदर नेचुरल रिसोर्स बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम मोर वॉलरेबल टू क्लाइमेट चेंज तो यही वजह है अनएम्प्लॉयमेंट और लेबर सरप्लस होना दूसरी जगह से लोग फिर से अपने गाँव में लौट के आए हैं तो क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्स जो प्रोडक्शन सिस्टम है ये वलरेबल होते जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से भी क्योंकि क्लाइमेट की वजह से ऑलरेडी अगर आप जो फॉरेस्ट हैं उनको देखेंगे जिनके बारे में ऑलरेडी हम इतना पढ़ते रहते हैं या डेवलपमेंट एक्टिविटीज की वजह से जितने भी आपके एंथ्रोपोलॉजिकल रीजन हैं मैन की वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से नेचुरल कॉजेज की वजह से जो इकोसिस्टम्स हैं फॉरेस्ट हैं उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है अब ग्रीन रिकवरी मेजर्स में ये क्या ऑफर करते हैं एक तो रोजगार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इसके साथ साथ कम्युनिटीज़ जो हैं प्रोजेक्ट साइट्स जो भी ये प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू करेंगे जो प्रोजेक्ट साइट्स में शॉर्ट टर्म में ये लोगों को रोज़गार देंगे लंबा रोज़गार वादा नहीं कर पाएंगे लेकिन शॉर्ट टर्म में रोजगार दिया जाएगा लेकिन ये जो इको सिस्टम्स हैं वेटलैंड एकोसिस्टम है मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं इनको लॉन्ग टर्म रिजिलियंस प्रोवाइड करेंगे इनको फिर से रिवाइव करेंगे हेल्दी बनाएंगे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस प्रोजेक्ट का यही है कि लाइवलीहुड ओरिएंटेशन कि किस तरह से कंजर्व करना है फॉरेस्ट में कि लोगों को इन्वॉल्व करके कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके उनको रोज़गार दे के और एक्टिविटीज़ हैं कुछ जिनको रिस्टोर किया जाएगा यहाँ पे कम्युनिटी मेंबर्स को जो लेबर है उसको ट्रेन किया जाएगा ऑल्टरनेटिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए जो प्रोजेक्ट है इसको सपोर्ट कर रहा है इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव आई के आई जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी बी एम यू कहा जाता है इसको एक आपका बी एम जी है क्योंकि जर्मन लैंग्वेज अलग है इसलिए इनके नोटेशन आपको अलग अलग नज़र आएंगे बी उनकी मिनिस्ट्री है कैबिनेट लेवल की जहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट पे काम होता है बी देख लीजिए ये जर्मन का फेडरल मिनिस्ट्री है फॉर इन्वायरमेंट नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी बी है जर्मन का फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट तो अब अगर मैं कहीं पे बी या बी यूज़ करूँ तो आप समझ जाना कि हम किसको को मैंशन कर रहे हैं अब इको सिस्टम बेस्ड सस्टेनेबल लाइवलीहुड की ईको सिस्टम पर डिपेंड होते हुए किस तरह का रोज़गार दिया जाएगा मैंग्रोव को रिस्टोर करना है आपको लोग चाहिए सस्टेनेबल फिशरीज़ के लिए आपको लोग चाहिए हैंडीक्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटीज़ साइंस लेड हॉर्टिकल्चर बिटार कनिका में जो भी होंगे यहाँ पे कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाएगा रोजगार इन चीज़ों को लेकर इन प्रोजेक्ट्स को लेकर दिया जाएगा उनको स्किल्स दिए जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली उनको अभी तो कुछ नहीं आता तो उनको काम सिखाया जाएगा तो इस प्रोजेक्ट में स्किल्स के साथ साथ कैपेसिटी डेवलपमेंट की जाएगी लोकल कम्युनिटीज़ को ट्रेनिंग दी जाएगी ऑल्टरनेटिव एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स के लिए तो देखिए यहाँ पे पॉन्ड मैनेजमेंट की जाएगी ये सिखाया जाएगा उनको कि पॉन्ड्स को कैसे मैनेज करना है नर्सरी जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं उसको कैसे रेज करना है सस्टेनेबल फिशरीज ये काम कैसे करना है हॉर्टिकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड स्किल उनकी अपग्रेड की जाएगी आर्टिस की स्किल डेवलपमेंट इको टूरिज्म गाइड बनाने का उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि लोग आ रहे हैं आप उनको कैसे गाइड्स कैसे आगे पीछे की चीज़ें दिखा सकते हैं जगहें दिखा सकते हैं लोकल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से ये सब किया जाएगा पंचायत बॉडी मेंबर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इस सब में मदद करेंगे तो यहाँ पे इस स्लाइड में आपको दिख रहा है कि अगर लाइवलीहुड बेस्ड कंजर्वेशन की बात की जा रही है तो किस तरह के रोजगार और किन चीज़ों की स्किल्स कैपेसिटी डेवलपमेंट लोगों की की जाएगी देखिए यहाँ पे बी एम सी यूज हुआ है फेडरल मिनिस्ट्री उनकी जो किससे रिलेटेड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन से वो रिसर्च भी सपोर्ट कर रही है इस एरिया में इन फॉरेस्ट में ग्लोबल बायो इकोनॉमी को लेकर और माइग्रेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और फॉरेस्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं फाइनेंस भी कर रहे हैं ये सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च है सी आई एफ ओ आर ये एक नॉन प्रॉफिट साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इनको भी फंडिंग बी एम यू से मिलती है बी एम यू बी एम जी मैं आपको दोनों बता चुकी हूँ ये लोग क्लाइमेट रिसर्च एंड मल्टी लेवल गवर्नेंस पर काम करते हैं मैंग्रोव्स क्या हैं मैंग्रोव्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ स्पेशल तरह के ट्रीज एंड श्रब्स हैं जो सेलाइन और लो ऑक्सीजन कंडीशन में रहते हैं और मैंने कहा अनदर नेम आपको क्या बताया इनको हेलोफाइट्स कहा जाता है ये फॉरेस्ट क्रिटिकल हैबिटेट्स हैं बहुत सारे वाइल्ड लाइफ और एक्वाटिक क्रिएचर्स इस पर डिपेंड करते हैं बायोडावर्सिटी आपको यहाँ पर काफ़ी मिलेगी और मैंग्रोव फॉरेस्ट ओनली ग्रो एट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स तो अगर लेटिट्यूड्स ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में ही आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे नियर द इक्वेटर क्योंकि ये फ्रीजिंग टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते और मेजर मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया के कौन से हैं सुंदरबैन मैंग्रोव फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल में है मिटार कनिका मैंग्रोव्स उड़ीसा में है गोदावरी कृष्ण मैंग्रो uh, कृष्णा मैंग्रोव्स आंध्र प्रदेश गल्फ ऑफ कच्छ और ये सब कॉमन क्या है कोस्टल एरियाज़ क्योंकि मैंने आपको कहा कि कोस्टल एरियाज़ में ये ग्रो करते हैं ये महाराष्ट्र के थाने क्रीक में भी आपको मिलेंगे जहाँ पे थोड़ा सेलाइन वाटर होगा अब फिर आपको तमिलनाडु गोवा अंडमान यहाँ पे मैंग्रोव का फॉरेस्ट मिलेंगे तो यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा एरिया है कोस्टल एरियाज यूजुअली आपको दिखेंगे जहाँ पे आपको मैंग्रोव मैंग्रोव्स जो हैं वो फॉरेस्ट नज़र आएंगे इंडिया में मैंग्रोव्स का क्या स्टेटस है है इंडियन इंडिया इंडिया स्टेट ऑफ ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 क्या कहती मैंग्रोव कवर इन इज इज 4995 स्क्वायर किलोमीटर व्हिच 0.15 कंट्रीज टोटल हैोग्राफिकल एरिया देखिए इस तरह के जो टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये इन्वायरमेंट के लिए तो हेल्पफुल हैं प्लस साथ साथ आपके जियोग्राफी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो इनको इंटरलिंक करके देखिए इस तरह का डेटा आप कहीं पर मैंशन करेंगे तो आंसर चेक करने वाले को लेगा कि वाओ द पर्सन नोज लॉट तो मैंग्रोव कवर यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट परसेंटेज है एरिया uh, इसका अंडर टोटल मैंग्रोव कवर फॉलोड बाय गुजरात एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स है फिर कनी का मैंग्रोव है आपके सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये इंडिया का उड़ीसा में और वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रामसर वेट वेटलैंड भी हैं ये इंडिया के भिटारकनी का बिटार कनिका की बात करें तो ये कितने एरिया में फैला है 672 सेवेंटी टू किलोमीटर्स भिटारकनिका इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इको सिस्टम ये आपके लिए फैक्चुअल डेटा है और नेशनल पार्क एसेंशली यहाँ पे क्रीक्स और कैनाल्स आपको बहुत सारी मिलेंगी डिफरेंट रिवर्स से पानी आता है ब्राह्मणी बिटारनी धामरा एंड पत्सला और एक यूनिक इको सिस्टम यहाँ पर क्रिएट होता है तो उड़ीसा के इस कोस्ट पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये मैंग्रोव्स और भिटारकनी का नेशनल पार्क है ये एरिया जो बिटार कनिका का, का है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है एंडेंजर्ड सॉल्ट वाटर सोल्ट वाटर क्रॉकोडाइल्स यहाँ पर ब्रीडिंग के लिए होते हैं और यहाँ पे पाए जाते हैं प्राइम अट्रैक्शन इस सेंचुरी की ये क्रोकोडाइल्स ही हैं गिर मत्था बीच विच फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ सेंचुरी इन द ईस्ट इज़ द लार्जेस्ट कॉलोनी ऑफ ऑल एवर सी टर्टल्स भी आपको यहाँ पर इनके इस बीच पर मिलेंगे और एक सवाल है कि अगर आए कि अगर मैंग्रोव्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या होगा हम ना ही सिर्फ एक फॉरेस्ट uh, जो है एक तरह के हेलोफाइट्स उनको खो देंगे बल्कि जो एनिमल्स जो वाइल्ड लाइफ इन पर डिपेंडेंट है उनकी पॉपुलेशन को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा तो सिर्फ कोस्टल कम्युनिटीज से को ही नुकसान नहीं होगा डिक्लाइनिंग ऑफ मैंग्रोव से जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं उनको भी नुकसान होगा देखिए यहाँ पे एक ट्वीट था यूएन एन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा कि कुछ देशों ने 40 परसेंट से ज़्यादा मैंग्रोव कवर जो है वो खो दिया है 1980 से 2005 के बीच में और ये क्यों हुआ है कोस्टल डेवलपमेंट की वजह से क्योंकि हम डेवलपमेंट इस तरीके से करते हैं कि वो सस्टेनेबल नहीं होती अब मैंग्रोव्स के इम्पॉर्टेंस क्या है कोस्टल एरियाज में सोचिए लैंड है एक तरफ यहाँ पे लैंड है और एक तरफ सी है ये उसके बीच में एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट करते हैं ये जो तूफान आते हैं उनको रोकते हैं सुनामी से एक बफर काइंड kind ऑफ of आपको प्रोड्यूस करेंगे शॉक एब्जॉर्ब करेंगे अपने कम्प्लेक्स रूट सिस्टम की वजह से सी वेव एनर्जी को डिसिपेट करते हैं सेटिमेंट डिपोजिशन इज़ अ विजिबल फीचर विच अरेस्ट कोस्टल इरोजन एंड सी वाटर पोल्यूशन सी वाटर पोल्यूशन को रोकते हैं कोस्टल इरोजन को रोकते हैं बहुत सारी फिश स्पीशीज़ और फ़ोना जो हैं वो यहाँ पर ब्रीड करती हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत अच्छे कार्बन सिंक्स भी हैं कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग मैंग्रोव्स हैं इनको बहुत ज़्यादा खतरा है क्योंकि मल्टीपल रीज़न की वजह से आपका कोस्टल डेवलपमेंट हो रहा है ओवर यूज़ हो रहा है एग्रीकल्चर में लैंड डेवलप हो रहा है तो मैंग्रोव्स को काटा जा रहा है वुड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लोग इंडस्ट्रियल सेटलमेंट्स हो रही हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से ये कुछ थ्रेट्स हैं मैंग्रोव्स को और उसके बाद ये भी कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल राइज़ होगा तो भी हो सकता है मैंग्रोव सबमर्ज हो जाएं और अब यहाँ पे आपके लिए सवाल है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मैंग्रोव आर स्फेरिकल टाइप्स ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स दैट आर नोन टू थ्राइव इन सेन एंड लो ऑक्सीजन कंडीशंस मैंग्रोव फॉरेस्ट ओनली ग्रो एट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एटीट्यूड नियर इक्वेटर तो दोनों ही हमने डिस्कस किया आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम में आप पोल में पार्टिसिपेट कीजिए बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं डब्ल्यू या फिर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से बहुत सारे कोर्सेज हमारे ई एम पे अवेलेबल हैं जो नीचे नंबर आपको दिख रहा है उस पर कॉल करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं थैंक यू सो मच